आजसू पार्टी ही आखिर क्यों निर्मल राव ज्वाइन कर रहा है? अब कहीं ना कहीं हमको आजसू में ही ये सच्चाई लग रहा है कि आजसू ही हमको कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म का लड़ने का जगह दे सकता है, और हम चाह रहे हैं कि इसी के सहारे अपने जो भी जो जिसके रोजगार नहीं मिल रहा है या फिर रोजगार के लिए वो दर भटक रहे हैं उसको हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि आदिवासी युवक राजनीति में आने से आदिवासियों का भलाई होगा, जमीन बचेगी, तमाम मुद्दों पर काम हो पाएगी? देखिए, ये तो मेरा प्रयासरत रहेगा कि हम कोशिश में रहेंगे कि जितने भी युवाओं का और हमारे आदिवासी लोग का शोषण हो रहा है तो उसके लिए लड़ने के लिए हमको तो एकजुट होना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था बोलने का कि हम क्या तुमको दे सकते हैं। बहुत सोचे, हमको बहुत तरह तरह का विचार आने लगा, नींद नहीं आने लगा, सोचने लगे, समझने लगे, तब हमको कहीं ना ख्याल आया कि अगर हमको कुछ करना है तो पार्टी को हमको पार्टी में आना ज़रूरी है। 2024 चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव बीत चुका है और अब विधानसभा चुनाव होने को है। वैसे में विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है, यानी 26 तारीख से विधानसभा की सत्र होगी और यह इस सरकार की आखिरी जो है, यानी कह सकते हैं कि अंतिम सत्र होगी। 5 सालों में कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, इन तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं घेरने की काम करेगी। इस वक्त हमारे साथ निर्मल उरांव है। निर्मल अपनी युवा साथी के साथ, युवा की पार्टी जो कहती है आजसू, वह रविवार के दिन आजसू की सदस्यता अपने पूरे युवा साथी के साथ ले रहे हैं। आखिर आजसू पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं निर्मल, इसके पीछे की वजह क्या है, वह जानने की कोशिश करेंगे। और इन 5 सालों में इस सरकार ने कितने काम किए, कितने आदिवासियों, कितने बेरोजगारों को जो है रोजगार मिल सका, और कितने जो है वादे जो सरकार जो चुनाव में वादे करती है उन वादों का पूरा हो पाया है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम निर्मल से जानने का कोशिश करेंगे। निर्मल, ये बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। निर्मल, काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, युवाओं को राजनीति में आने चाहिए, आने की ज़रूरत है, आप मानते हैं इन चीज़ों को, और आजसू पार्टी ही क्यों युवा ज्वाइन करे, क्या ख्याल है? आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं, फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, सभी चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़े होंगे, आपके गांव समाज के लोग राजनीति में आने से क्या कह रहे हैं, और आजसू पार्टी ही आखिर क्यों निर्मल राव ज्वाइन कर रहा है? जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। आजसू पार्टी एक युवा की पार्टी है। किसी न किसी माध्यम से आज हमारे युवा का जो भी सपना है जी, वो लोग भी चाहते हैं कि हम कुछ आगे बढ़ने के लिए खेल कूद का सहारा लें, एजुकेशन का सहारा लें, नौकरी चाहते हैं। बहुत सारे ऐसा युवा हैं जिसके जो लोग चाहते हैं कि हमको कुछ इस सरकार के रहते हुए हमको मिले, लेकिन ये सरकार को देखते हुए सारे युवाओं, महिलाएं, माँ बहन बेटी, सबका जो भी आशा है सब दिन ब दिन ख़त्म होते जा रही है। ठीक है, अब क्या चाह रहा है कि अब वो लोग को लग रहा है कि अब हम लोग से ये सरकार चला नहीं पाएगी। इसी कारण से लोग हमको, बहुत सारे लोग बोले, मेरे घर के, मेरे बाहर के, मेरे दोस्त रिलेटिव रिलेशन लोग बोले, मेरे गांव के लोग बोले, कुछ बाहर के लोग भी आके बोले कि निर्मल तुमको कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, हमको तेरे में कुछ दिखता है कि तुम युवाओं को लिए कुछ करोगे। तो हमको भी लगा कि हमको अगर ऐसा मोटिवेट हमको मिल रहा है या लग रहा है कि ये लोग हमको बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हीं के सहारे हम चाह रहे हैं कि लोग के सहारे लेते हुए बढ़ें। बस इसी कारण से हम आंसू को दामन थामे, और कहीं ना कहीं हमको आंसू में ही ये सच्चाई लग रहा है कि आंसू ही हमको कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म का लड़ने का जगह दे सकता है, और हम चाह रहे हैं कि इसी के सहारे अपने जो भी जो जिसके रोजगार नहीं मिल रहा है या फिर रोजगार के लिए वो दर दर भटक रहे हैं उसको हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। निर्मल, एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त राज्य में कि आदिवासी खत्म हो रहा है, आदिवासी की संख्या कम हो रही है, धर्मांतरित हो रहे हैं, ज़मीनें लूटी जा रही है। मानते हैं कि आप पार्टी से जुड़ेंगे तो आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा कैसे हो, महिलाओं की जो बच्चियों की जो रेप होती है उसमें ज़्यादातर आदिवासी बच्चियाँ होती है, आपने छात्र जीवन में भी राजनीति की होगी, आपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया होगा, क्या लगता है कि आदिवासी युवक राजनीति में आने से आदिवासियों का भलाई होगा, जमीन बचेगी, तमाम मुद्दों पर काम हो पाएगी?
देखिए, ये तो मेरा प्रयासरत रहेगा कि हम कोशिश में रहेंगे कि जितने भी युवाओं का और हमारे आदिवासी लोग का शोषण हो रहा है, तो उसके लिए लड़ने के लिए हमको तो एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो मेरा आज हम बहुत सारे लोगों को किसी को क्रिकेट खेलने का प्रोत्साहित किए या तो फिर फुटबॉल खेलने के लिए आगे बढ़ाएं, बहुत टूर्नामेंट भी हम कराएं, बहुत तरह तरह के, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगने लगा कि इसके माध्यम से अगर हम आंदोलन थोड़ा सा बहुत अपने आप को बनाते हैं, आंदोलनकारी बनाते हैं, भी अच्छा मिले आपको तो, हाँ एक प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि जितने सारे लोग आज जो आदिवासी लोग इधर उधर भटक रहे हैं या बेघर हो रहे हैं, तो उसका तो सहारा बनने का कोशिश करेंगे इसी माध्यम से कि ये लोग का जो भी प्लेटफॉर्म में दिक्कत हो आ रही है या दिक्कत होगा, तो उसे कहीं ना कहीं हम सहारा बनने का प्रयास करेंगे। पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं निर्मल जी, वह पार्टी के जो सुप्रीमो है उन्होंने जो विधानसभा बनाया है सिल्ली में, चाहे वो तीरंदाजी को लेकर हो या फुटबॉल को लेकर हो, चूंकि वो खुद फुटबॉल प्लेयर हैं, आप भी फुटबॉल प्लेयर हैं, चाहे क्रिकेट की बात करें या हॉकी की बात करें, इस वक्त भी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है हॉकी की देन जो थे वह आज खेलकूद से है, इनके जिस विधानसभा में उन्होंने काम किया है आपके सुप्रीमो, क्या उन सब चीज़ों से प्रभावित हैं आप खेलकूद को लेकर? बहुत प्रभावित। और आप चाहते हैं कि रांची भी और भी अन्य विधानसभा क्षेत्र उस तरीके से बनाया जा सके, खिलाड़ियों को मदद किया जा सके? जी, प्रभावित कैसे नहीं रहेंगे हम, आज की डेट में कोई खेलकूद को महत्व देता ही नहीं है, खेलकूद कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है किसी को पता नहीं। आज थोड़ा सा लग रहा है कि सुदेश महतो जी के नेतृत्व में बहुत सारे प्रोग्राम सिल्ली में जाके देखिए, बिल्कुल सिल्ली में आज कितना इंटरनेशनल गेम हो रहा है और अच्छे अच्छे लोग भी अपना लाए हैं वो लोग सारा अभी कर ही रहे हैं, उसको देखते हुए हमको भी थोड़ा मन में लगा कि हमको भी करना चाहिए जी। उसी के मार्गदर्शन में हमको चलना है जी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए अपने जितना भी युवाओं हैं, जिसको आज बहुत सारे लोग खेल कूद को पीछे, वो लोग किसी किसी के घर के पास हम जाते हैं बात करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम लोग खेल कूद काहे छोड़ दिए, तो भैया ऐसा है कि जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, हाँ ये सब नहीं है, वो सब किट नहीं है, पैसे नहीं है खाने के लिए जी। आज देखिए कि मार भात खाकर जो है बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, देखा होगा मार भात खाकर मजबूर है। वो लोगों का कहना है कि हम करें तो करें कैसे, हम अपना रोजगार देखें कि खेलकूद में हम ध्यान दें, तो वो उस वक्त तो मेरे पास जवाब नहीं था, मतलब दो वक्त की रोटी के लिए वो अपना हाँ। प्रतिभा को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था बोलने का कि हम क्या तुमको दे सकते हैं। बहुत सोचे हमको, बहुत तरह तरह का विचार आने लगा, नींद नहीं आने लगा, सोचने लगे समझने लगे, तब हमको कहीं ना ख्याल आया कि अगर हमको कुछ करना है तो पार्टी को हमको पार्टी में आना ज़रूरी है, इसलिए हम बस आसू पार्टी का दामन थामने का प्रयास किए हैं। निर्मल कार्यक्रम क्या होगा, शनिवार को आप घूमेंगे शहरों में? हाँ, शनिवार को कितने युवाओं का समर्थन आपके पास रहेगा और कितनी चट्टानी एकता के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं आज? ये तो अनुभव या पहले तो हम नहीं बता पाएंगे, फिर भी ये तैयारियां कर रखे होंगे? तैयारियां तो बहुत काफी अच्छी तरह से हो रही है, और किसी को हमने बोला नहीं है कि हम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, एक मैसेज छोड़ा गया, बस मेरे माध्यम से मैसेज छोड़ा गया है। निर्मल, आप जो ज्वाइन कर रहे हैं रविवार को, ये किन के नेतृत्व में आप ये सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और क्या कुछ आपकी आगे की तैयारियां रहेंगी? क्या ज्वाइनिंग तक ही कहीं ऐसे रहते हैं कि ज्वाइन लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं, क्या वहीं तक सीमित हो जाएंगे आप ज्वाइन? ऐसा है कि हम ठंडे पड़े तो हम आए नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो केंद्रीय सचिव जितेंद्र सिंह भैया जी जो हैं उससे हम काफ़ी प्रभावित हैं, और क्या है कि वो भैया भी खेलकूद को बहुत महत्व देते हैं जी। उसका खुद का एक एकेडमी भी चल रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी चल रहे हैं, फिर अपना जिम भी खोले हुए हैं जी। और कहीं ना कहीं सुबह से प्रैक्टिस कराते हैं, तो जितेंद्र सिंह भैया जो हैं उसके नेतृत्व में ही हम आज ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उससे काफ़ी लोग भी प्रभावित हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उनसे, उनके मार्गदर्शन को देखते हुए और उसको उसके जो मेहनत और जो लोग मेहनत देखते हैं कराते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को कराते हैं हाँ, वो उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो क्या आप भी चाहेंगे पार्टी से जुड़कर जो है खिलाड़ियों की मदद कर सकें, जो जनमुद्दे होते हैं चाहे वो रोजगार की बात हो, आंदोलन कर रहे हैं आज, कल से सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, सरकार से सवाल पूछेंगे आप कि 5 सालों में क्या हुआ, क्या होने चाहिए थे आदिवासियों की, कितनी मांगें पूरी हो पाई? सरकार से क्या ही उम्मीद करेंगे हम, सरकार का तो हम क्या पूरा झारखंड वासी देख रहे हैं कि यार सरकार क्या कर रहा है, बाहर वाले लोग आके नौकरी दे रहे हैं, हम लोग के लोकल लड़का युवाओं या व्यक्तियों हो जो वो लोग सारे लोग
इधर उधर भटक रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई करके भी भटक रहे हैं, वो लोगों को कुछ मार्गदर्शन दिख ही नहीं रहा है, तो वो लोग से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे इस सरकार से रहते हुए। तो इस सरकार से बहुत ज़्यादा हम लोग को उम्मीद नहीं है। आज हम लोग का देख लीजिए, आए दिन कहीं लड़ाई झगड़ा मर्डर रेप किससे ज़्यादा हो रहा है। आदिवासी लोग का शोषण ज़्यादा हो रहा है। आदिवासी कहीं भी कहीं जाके देखिएगा तो आदिवासी लड़की लोग के ही साथ ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो उसका आंदोलन, उसका आज आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त तो मुख्यमंत्री आदिवासी है, वो कहते हैं कि आदिवासी की सबसे हत्यासी जेएमएम पार्टी है। वो तो हम लोग कल परसों ही देख लिए, दो चार दिन पहले जो हुआ था, हम लोग का सहायक पुलिस वहाँ भी तो लेडीज लोग थी, वो तो कोई बाहर के नहीं थे, वो तो आदिवासी लोकल थे। उनको क्यों मारा गया बताइए आप, क्यों मारा गया? उसके बाद पारा टीचर आज 20 दिन से वो लोग धरना देके बैठा हुआ, वो लोग को मारा गया, क्यों मारा गया आप बताइए, इनका सवाल दीजिए, हमको जवाब दीजिए। इसका किसी के पास सवाल का जवाब नहीं है, खाली मुद्दा बना के सब घूम रहा है, बताइए हमको आप। तो क्या ये सारा जवाब आप जो है आदिवासियों के हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे लगता है कि ज्वाइनिंग तक ही आप सीमित हो जाएंगे? नहीं, ये तो अभी तो शुरुआत है, ये तो हम शुरुआत अभी करना चाह रहे हैं, शुरुआत होने के बाद होने है इसी साल। चुनाव से क्या मतलब है हमको? चुनाव से मतलब नहीं है हमको, हमको चाहिए इंसाफ। चुनाव तो हम लोग देखेंगे, करेगा ही, जो रहेगा वो तो करेगा ही, हमको चाहिए इंसाफ। क्यों ऐसा इंसाफ की जरूरत? 24 साल हो गया झारखंड बने हुए, लेकिन आज भी आदिवासी क्यों इंसाफ के लिए जो है गुहार लगा रहा है? आज देख लीजिए, हम लोग का जो आदिवासी का जो रेशियो जो होता है ना, दिन ब दिन घटते ही जा रहा है। तो क्या हम लोग का झारखंड डेवलप हो रहा है आप बताइए? हम लोग का झारखंड, हम लोग का अलग होया हुआ अभी इतना साल हो गया, 23 साल 24 साल क्या हो गया, घुसपैठी जमीन लूट रहे हैं बांग्लादेशी या जो भी, बांग्लादेशी घुसपैठी घुस जा रहा है, हम लोग का सारे बाहरी लोग आके जमीन ले जा रहे हैं। जमीन जगह का तो सोच लीजिए कि केवल बस नाम का हम लोग रह गया है, जब जमीन ही नहीं बचेगा, जब हमें पास जमीन ही नहीं बचेगा। आज जितने भी जमींदार लोग हैं, सारे लोगों देखिए आज वो झोपड़ी में ही रह रहा है, और जिनके जमीन नहीं है बाहर से आके लोग, वो लोग देखिए महल खड़ा है। तो क्या ये जल जंगल जमीन की पार्टी कहती है जेएमएम, जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने, क्या ये गलत है या सही है? कौन करेगा आगे जल जंगल जमीन की सुरक्षा? जो हमको दिखा ही नहीं उसके लिए हम कैसे बोले? हमको कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे सुरक्षा हो रहा है? आज देख लीजिए कितना, आज जो हम लोग का सरकार का जो मंत्री हो गए हैं या फिर उसका जो लोग साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग तो उसी के नाम पे जा रहे हैं जेल। उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? ये देखने कई सारे आदिवासी संगठन हैं, वह भी ज्वाइन करके आप काम कर सकते थे, पार्टी ही क्यों? देखिए आदिवासी संगठन में वो मजबूती नहीं है, जितने भी संगठन बने हुए हैं सब अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से चला रहे हैं, हमको उसमें कोई मजबूती वैसा लग नहीं रहा है। पार्टी में ज्वाइन, मेरा ज्वाइन करने का बस मकसद यही है कि ये पार्टी से हम जुड़ के काफ़ी हद तक लोगों का हम इंसाफ दिलाने का, आदिवासियों को एकजुट कर पाएंगे आप? मेरा प्रयासरत रहेगा, और प्रयासरत क्यों रहेगा, एक आंदोलन प्रयासरत रहेगा। आंदोलन करेंगे आप? जी करेंगे। देखिए आंदोलन करेंगे और आदिवासियों को कैसे एक करेंगे, उसके कारण जो है आज से ज्वाइन कर रहे हैं निर्मल उरांव, लगभग हजारों साथियों के साथ शनिवार को पूरे शहर में घूमेंगे और रविवार के दिन जो है आजसू पार्टी का दामन थामेंगे। विधानसभा चुनाव होने हैं और आजसू को कितनी जो है आदिवासियों का समर्थन ताकत मिल पाता है, यह कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सवाल के माध्यम से आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, अपने सवाल अगर आप पूछेंगे तो मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।